नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में, कौन से योगाभ्यास हैं जिनके द्वारा उससे हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गर्दन में होने वाले दर्द की और कंधे के ऊपरी भाग, जो ये कॉलर बोन का हिस्सा है, यहाँ पर होने वाले दर्द जो अक्सर देखने को मिलता है हमारे रूटीन की वजह से, हमारे वर्किंग पैटर्न की वजह से, घंटों तक लैपटॉप पे काम करना या ऑनलाइन क्लासेस लेने के द्वारा। तो आइए जान लेते हैं सबसे सरल प्रैक्टिस। देखिए, आपने इस तरह से क्रॉस लेग करके बैठ जाना है। धीरे से दाएं हाथ को बाहर की तरफ लाते हुए बाएं हाथ को ऊपर लाना है और इस तरह से ऊपर की तरफ देखना है। कुछ देर यहाँ रुकना है आपने, धीरे से वापस। अब इसी तरह बाएं हाथ को आप लेकर के जाएंगे, दाएं हाथ को ऊपर से लेकर के आएंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ फेस करेंगे। सामने नहीं देखना है, गर्दन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। यहाँ रुकना है आपने, धीरे से वापस। तो ऐसा अभ्यास आप 5-5 टाइम दोनों तरफ करेंगे, 5 बार इस तरफ, 5 बार इस तरफ, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस हुई। वज्रासन में आप बैठेंगे इस तरह से, दोनों हथेलियों को ऐसा लॉक करेंगे और धीरे से दोनों घुटनों में गैप दे देंगे। आगे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे, ये श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते आगे। तो जो ये अभ्यास है, ये आप कम से कम 10 बार करें, अपनी क्षमता अनुसार करें, ठीक है, इसको आप करें। और एक और यहाँ पे अभ्यास आता है जिसको हम गौमुख आसन बोलते हैं। इस तरह से दाएं हाथ को ले जाना है, बाएं हाथ को पीछे से ले जाना है, इस तरह से ग्रिप बनाना है, यार। फिर इसी तरह से दूसरा हाथ, बाएं हाथ ऊपर जाएगा, दाएं हाथ नीचे आएगा और इस तरह से ग्रिप बनाते हुए यहाँ। धीरे से वापस, इसको भी आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे शुरुआत में, धीरे धीरे इसको 15 सेकंड तक ले जाएंगे। आइए एक लास्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं इसके अंदर, जो बहुत ही इफेक्टफुल है। वज्रासन में बैठना है आपने, दोनों घुटने आगे से खोल देने हैं आपने, बाएं हाथ को यहाँ लेकर के आना है, शोल्डर ब्लेड पे रखना है एंड दूसरा दोनों हाथों को इस तरह से लेकर आना है, यहाँ रुकना है। गहरी लंबी श्वास लेनी है आपने, एल्बो को लगातार पीछे की तरफ पुश करना है, धीरे से हाथों को खोलते हुए। अब इसी तरह से जो हाथ बाद में आया था वो हाथ पहले लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बाया हाथ पहले लेके जा रहा हूँ, दाया हाथ ला रहा हूँ, एल्बो को पीछे पुश कर रहा हूँ, शोल्डर ब्लेड को आगे थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ, यहाँ रुकना है। गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, धीरे से वापस आओ। तो दोस्तों, आपने देखा ये बहुत ही सरल प्रैक्टिस है, बहुत ही इजी, आप इजी तरह से आप इसको कर पाएंगे और आपके जो कंधे हैं और जो नेक पेन है वो धीरे धीरे इससे गायब हो जाएगा। और आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो ने कितना आपको फ़ायदा पहुँचाया और किस तरह से आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो गया। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि और वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।